BSNL देश भर में अपने नेटवर्क को 4G में अपग्रेड करने के लिए रिलायंस जियो के साथ जा सकती है। बता दें कि रिलायंस जियो ने स्वदेशी 4G कोर विकसित किया है, जिसे बाद में 5G में अपग्रेड भी किया जा सकता है। बता दें कि BSNL टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, तेजस नेटवर्क्स और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स के कंसोर्टियम को उच्च लागत के कारण छोड़ने वाली है। BSNL को लगता है कि टाटा समूह द्वारा प्रस्तुत बोली मूल्य बहुत अधिक है। बता दें कि BSNL देश भर में करीब 1 लाख से अधिक टावरों को 4G में अपग्रेड करना चाहता है। BSNL को 4G उपकरण के लिए आपूर्तिकर्ता के चयन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। BSNL केवल देसी विक्रेताओं से ही 4G उपकरण खरीद सकता है। कहा जा रहा है कि BSNL के 4G नेटवर्क लॉन्च में मदद करने वाली टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और C-DOT इस दौर से बाहर हो सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार कंसोर्टियम ने जो बोली लगाई है वह 20,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है, लेकिन BSNL के अनुमान के अनुसार यह केवल 17,173 करोड़ रुपए तक ही खर्च कर सकती है। BSNL का कहना है कि अगर लागत को नियंत्रण में रखा जा सकता है तो रिलायंस जियो भी एक व्यवहार्य विकल्प है। BSNL को किसी भी तरह जल्द से जल्द देश भर में 4G की तैनाती शुरू करने की जरूरत है, अन्यथा आने वाले वर्षों में 5G में अपग्रेड करने में भी BSNL को देरी होगी। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।